साधारण सी अरबी या घुइया को भी अगर नए अंदाज में बनाया जाए तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं साधना तिवारी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए बनाते हैं दही वाली अरबी। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। सबसे पहले ये आधा किलो मैंने अरबी या फिर कहीं कहीं घुइया भी बोलते हैं इसको ले लिया है। इसको मैंने उबाल लिया है, छिलके उतार के इसको लंबाई में ऐसे काट लेते हैं। शेप आप कोई भी काट सकते हैं, मैंने यहाँ पर लंबाई में काटा है। और अब ये पूरी अरबी कट गई है, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें एक चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से जो अरबी का बादीपन होता है वो निकल जाता है, इसलिए अरबी की सब्जी में अजवाइन बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। अब ये अरबी डाल के और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए इस तरह से। चलिए अब थोड़े से सूखे मसाले भी डाल लेते हैं। ये एक चम्मच पीसी धनिया, आधी चम्मच हल्दी और एक चम्मच पिसा लाल मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। इन सबको डाल के 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें हम पानी डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाला है बस, और इसको चला के 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी हमने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया है। 2 मिनट के लिए सब्जी और मसाले को पकने देंगे। उसके बाद ये 1 कप खट्टा दही है, इसको हम इसमें डाल देंगे। आँच की फ्लेम को थोड़ा धीरे कर देंगे और इसको चलाते हुए कम से कम 5 मिनट के लिए खौला लेंगे। 5 मिनट बाद ही ये सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे और इसको ऐसे ही गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ सर्व करेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको बनाने का आपका अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। Thank you.